नमस्कार साथियों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं DNVGL में काम करता हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ वह है सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलपमेंट। एक बहुत नॉर्मल टेंडेंसी है कि जब मार्केट में हम कुछ शॉपिंग करने जाते हैं, से कपड़े लेने जाते हैं, तो हमेशा किसी ब्रांडेड शॉप में जाते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हमें कोई नौकरी ढूंढनी है तो हम किसी ऐसे पोर्टल को ढूंढते हैं जो बहुत एस्टेब्लिश्ड हो। तो हर काम के लिए हमारी अपेक्षा ये रहती है कि जो हमारा सप्लायर है, जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो अच्छा हो, बढ़िया हो, समथिंग। इसी तरह से किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, जो बहुत मुश्किल से उसके लिए होता है डिसाइड कर पाना कि कैसे वो डिसाइड करे कि जिस सप्लायर को वो सेलेक्ट कर रहे हैं या जो एग्जिस्टिंग सप्लायर है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ISO 9001 या IATF 16949, ये दो स्टैंडर्ड हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की कमिटमेंट देते हैं कि यस, वो जो सप्लायर है वो अच्छा है और उसकी नीड और एक्सपेक्टेशन को वो पूरा कर सकता है। IATF 16949 के जो सब्सक्राइबिंग OEMs हैं, उनकी भी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे फोर्ड क्राइसलर, डैमलर और पीजो, इन्होंने कुछ खास रिक्वायरमेंट्स अपनी स्पेसिफिक कर रखी हैं विद रिस्पेक्ट टू सप्लायर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आगे बढ़ने से पहले ये बहुत ज़रूरी है समझना कि क्यों किसी कंपनी को ISO 9000 या IATF 16949 सर्टिफाइड होना चाहिए। तो उसके कुछ रीज़न हैं कि एक तरह से सबसे पहली बात तो है कि उस जब एक सप्लायर ISO 9000 सर्टिफाई होता है तो वो अपने आप को अलाइन कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी ISO 9000 या IATF 16949 होती है। सेकेंडली, इसके अलावा जो तीन की इंडिकेटर्स होते हैं, क्वालिटी, कॉस्ट एंड डिलीवरी, QCD जिसकी हम बात करते हैं, उसकी इंप्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है। देन जो रिलेशनशिप है, जो एक कॉन्फिडेंस है ऑर्गेनाइजेशन का अपने सॉफ्टवेयर पे, वो भी इम्प्रूव होता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं अगर सप्लायर्स ISO 9000 सर्टिफाइड हो। इस बात को बताने के लिए जो स्टैंडर्ड ने गाइडलाइन दी है, उसको अगर तीन मेन कैटेगरी की मैं बात करूँ तो पहली कैटेगरी है अबाउट रिस्क बेस्ड थिंकिंग, सेकेंडली है अबाउट कस्टमर कंसेशन या वेवर, और तीसरा है कि किस तरीके से ये सर्टिफिकेशन का प्रोग्रेशन या जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप किया जा सकता है। तो पहले स्टेप की बात करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट। इन जनरल एक Tier 1 कंपनी के अप्रॉक्सीमेटली 50 से 100 सप्लायर्स होते हैं जो अलग अलग साइज के होते हैं और उनकी कैपेसिटी भी अलग अलग तरह की होती है और ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंडेंसी भी डिफरेंट होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क बेस्ड थिंकिंग के ऊपर ये डिसाइड कर सकती है कि कौन से सप्लायर्स ऐसे हैं जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विद रिस्पेक्ट टू क्वालिटी भी हो सकता है, शेयर ऑफ बिजनेस के हिसाब से भी हो सकता है, अगर लगातार कस्टमर कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उसके बारे में भी हो सकता है, और इस पर भी डिपेंड करता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या उसे लॉन्ग टर्म कोई और नया डेवलपमेंट देने वाली है। तो उसके बेसिस पे क्राइटेरिया बन सकता है कि किन सप्लायर्स को पहले फोकस करेंगे और फिर किसको और बाद में किसको किया जाएगा। इसमें एक बात और भी इम्पॉर्टेंट होती है कि कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट तो हैं बट शायद बहुत रेलेवेंट नहीं होते टू गो फॉर ISO सर्टिफिकेशन। जैसे अक्सर स्टील मिल के लिए जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं या जो हम मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं फिनिश गुड थ्रू लॉजिस्टिक्स, उन सबको हम चाहें तो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं इस ISO 9000 के प्रोसेस। जो दूसरी बात है वो है कस्टमर कंसेशन। ये कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो किस सप्लायर को चाहता है कि उसे ISO 9000 या IATF लेना चाहिए, या किस सप्लायर को उसे लगता है कि अगर उसने अभी नहीं लिया तो वो भी चलेगा। और इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, मे बी कस्टमर के लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, या कस्टमर को पता है कि इस समय कुछ मजबूरी है उस सप्लायर के जिस कारण से अभी वो सर्टिफिकेशन के लिए नहीं जा सकता। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड कर लिया है कि वो सर्टिफिकेशन के लिए जाएगी तो उसका एक सीक्वेंस भी हो सकता है, वो भी अगेन 4 पार्ट में डिवाइड है। तो उसका पहला पार्ट है वो है ISO 9001 सर्टिफिकेशन, दूसरा है ISO 9001 सर्टिफिकेशन विद एडिशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, तीसरा है ISO 9001 के साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ IATF 16949 जिसको कस्टमर अपनी सेकेंड पार्टी ऑडिट से कवर करता है, और चौथा है IATF 16949 सर्टिफिकेशन। तो अगर हम पहली इसमें बात करें तो जो है ISO 9000 सर्टिफिकेशन, ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है और मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो स्टैंडर्ड डिमांड करता है कि सारे सप्लायर्स ISO 9001:2015 सर्टिफाइड होने चाहिए। इस बार स्टैंडर्ड ने एक और स्पेसिफिक गाइडलाइन लिखी है कि वो सारे के सारे सप्लायर्स जो कि सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं
उनकी सर्टिफिकेशन बॉडी और उनकी एक्रेडिटेशन बॉडी IAF MLA के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए, जो कि 17021 की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मार्केट में बहुत कॉमनली देखा गया है कि बहुत सारी जो फर्जी सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं वो भी सर्टिफिकेट देती हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि एक्रेडिटेशन बॉडी का जो एक्रेडिटेशन है वो IAF ने छीन लिया है, लेकिन फिर भी उसके नाम को यूज़ करके सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है। तो इसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो दूसरा पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू ISO 9001 एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, तो अक्सर ऐसा होता है कि OEMs का और टीयर वन का अपना सप्लायर मैनुअल होता है। जैसे मारुति सुजुकी का अपना सप्लायर मैनुअल है टीयर टू के लिए, तो उसकी गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। या बहुत सारे टीयर वन जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे डेंसो है, डेल्फाई है, एंड देर आर मेनी मोर कंपनी, उनके भी अपने सप्लायर मैनुअल होते हैं। तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनका सप्लायर्स हैं वो ISO 9000 के अलावा उनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करें। जो तीसरी कंडीशन है वो है ISO 9000 के साथ IATF के जो एडिशनल गाइडलाइंस हैं उनको भी पूरा करना है। अक्सर OEMs का और टीयर वन का मानना होता है कि अगर उन्हें अपने सप्लायर को अलाइन करना है अपनी अंडरस्टैंडिंग से या जिस तरीके से वो चीज़ों को सोचते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको भी उन टर्मिनोलॉजी के बारे में, उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो वो फोर्स करते हैं अपने सभी सप्लायर्स को कि वो IATF का सर्टिफिकेशन अभी ना भी लें, लेकिन उसके रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करें, और ऑर्गेनाइजेशन उसके इसमें सेकेंड पार्टी ऑडिट करती है उसको वेरीफाई करने के लिए कि उनका कंप्लायंस लेवल कैसा है। और चौथा जो सबसे आसान तरीका है कि आप डायरेक्टली IATF 16949 के लिए सर्टिफाई हो जाए फ्रॉम एनी IATF अप्रूव्ड सर्टिफिकेशन बॉडी। तो ओवरऑल अगर मैंने आपको बात जो बताई है, मैंने आपको तीन बातें मेन बताई थी। पहली बात बताई थी आपको विद रिस्पेक्ट टू रिस्क बेस्ड मॉडल, सेकेंडली मैंने आपको बताया था कस्टमर कंसेशन, एंड थर्ड मैंने बताया था जो प्रोग्रेशन प्रोसेस है किस तरीके से सर्टिफिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन आगे जा सकती है। उसके जो चार सब प्रोसेस थे वो थे, पहला ISO 9000 सर्टिफिकेशन, दूसरा ISO 9000 के साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, तीसरा था ISO 9000 के साथ IATF की एडिशनल रिक्वायरमेंट, और जो चौथा था वो था IATF 16949 से सर्टिफिकेशन। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है तो सर्टनली कस्टमर का और सप्लायर का रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा, जो क्वालिटी है, जो उसका डिलीवरी है और जो उसकी कॉस्ट है, सर्टनली वो इम्प्रूव होने वाली है, और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी एक अच्छा एक डिसीजन रहेगा कि किस सप्लायर के साथ वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, उनके लिए आसान रहेगा। अगर इस आर्टिकल को या इस वीडियो को जो मैंने आपको बताया और डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको उसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी, और मेरे ब्लॉग में जाके भी इसके बारे में आप और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।